नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 10 सुपर फास्ट खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में लग गई हैं। इसी बीच नेताओं द्वारा एक दूसरे को घेरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने एक जनसभा में कहा कि पूर्वी भारत में सरकार बनाने का भाजपा का सपना बिहार विधानसभा के चुनाव में समाप्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच आर पार का मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव समेत राजद की 27 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं एनडीए के आधा दर्जन मंत्रियों समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग का फैसला भी इसी चरण के चुनाव में होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा दांव खेला है और जातियों के लिए जनसंख्या आधारित आरक्षण का समर्थन किया है। वाल्मीकि नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। द प्लूरल्स पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने उस दर्द का इजहार किया है जिसमें वे अपने सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही हैं। पटना के बांकीपुर और मधुबनी के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से खुद चुनाव लड़ रही पुष्पम ने ट्वीट कर अपनी बात रखी और कहा कि मेरे प्रत्याशियों के पास पैसा और पावर नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मुंगेर गोलीकांड का मामला धीरे धीरे शांत होता दिख रहा है, जहां पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है तथा संदिग्ध वाहनों की पुलिस तलाशी ले रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इसी बीच डीआईजी मनु महाराज ने आज कहा कि अब शहर में स्थिति सामान्य है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बिहार में अचानक पारा लौटने के साथ ही लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। रात में हल्की ठंड लगने लगी है और पारा में गिरावट की वजह से सर्दी खांसी के मरीज बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि पटना सहित प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग की यह कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां इस वीडियो में चारों ओर भीड़ से घिरे तेजस्वी सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक युवक को खुद पकड़कर हटा रहे हैं। वहीं इस वीडियो को लेकर विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादव और राजद ने अब इस पर सफाई दी, जिसमें आरजेडी ने कहा कि हेलीकॉप्टर के बेहद करीब आ गए युवक को बचाने के लिए तेजस्वी यादव ने धक्का दिया था। बिहार के दूसरे चरण के मतदान के लिए सियासी घमासान चरम पर है। नेताओं और दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में झोंक दी है और नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार के राज में प्रदेश में खूब घोटाले हुए और भ्रष्टाचार की फाइलें भी खूब जलाई गयी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है, जहां इसी कड़ी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भागलपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रगति मैदान शेरमारी में सभा को संबोधित किया और जनता से एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 10 सुपर फास्ट खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की तमाम फायदेमंद खबरों से और आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।